हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ डीआईवाईज जो आपके साथ में शेयर करूँगी और दिखाऊंगी कि मैंने एक पुरानी बच्चों का टॉप पड़ा हुआ था, वो मैं वी मार्ट से लाई थी। उसका कलर थोड़ा सा लाइट कलर था, जो उसका जो आगे का फ्रंट में जो टैटू टाइप के जो बने रहते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैंने उसको कटिंग करके पहले से रख लिया था और जो रखा था वो बहुत ही अच्छा था। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, सबसे पहले वो दिखाती हूँ जो पुरानी टी शर्ट का मैंने कटिंग करके जो निकाला था, वो मैं आप बनाएंगी गीत, क्योंकि मुझे करना है काम, कुछ डीआईवाई करना है, तो उसके लिए गीत ब्लॉग बनाएगी। तो गीत बोलिए आप। सो गाइस, आज सबसे पहली बात तो अभी बज रहे हैं, शाम का टाइम हो रहा है थोड़ा, बिकॉज आज हम लोग की इतनी सारी कन्या थी और अभी तो एक जो कन्या थी वो अभी हम लोग ने अभी ये शाम को ही करी और अभी जस्ट हम लोग आए हैं और ब्लॉग में मैंने स्टार्ट किया है। तो गाइस, आज तो बहुत सारा काम था, आज तो मैं कुछ कर ही नहीं पाई मम्मा के साथ, बट अब मैं मम्मा के साथ डीआईवाई में मम्मा की हेल्प करने वाली हूँ। और जो आप लोग देखना कितने प्यारे प्यारे डीआईवाई बनेंगे। सो गाइस, ये देखो अभी मम्मा का यहाँ पर सारा सामान रखा है। और अगर मुझे पता है मम्मा, मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पर होती मम्मा से खुद पूछो तो ये सारा जितना भी है, ये जितना भी मम्मा ने रखा है वो इतना ज़्यादा फैलता, कटिंग कटिंग करके पूरा मतलब बेकार हो जाता है एक रूम, बट मम्मा ऐसा नहीं करती हैं। सो मम्मा मुझे इसीलिए डांटती हैं एक्चुअली, है ना मम्मा। सो मम्मा, आप ये क्या बना रहे हो? ये देखिए आपका टॉप पड़ा था ना, ये इसकी कटिंग करके, ये डक मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने पहले से सोच के रखा था कि मैं इसकी पेंटिंग बनाऊंगी, इसलिए मैंने इसको पहले से कट करके रख लिया था। इनकी डक है ये, और हाँ टॉप इसका था, सही बोल रही हूँ, इसी का टॉप जो वी मार्च से जो मैं लाई थी। और ये मम्मा भी इसको पेस्ट कर रही है पीछे का, मम्मा प्लीज आगे का दिखा दो। और ये देखो मम्मा ने कितना ब्यूटीफुल, ये किससे बनाया था मम्मा ने आप इसे? ये स्टोन आते हैं, हाँ ये जो कांच के टुकड़े होते हैं बहुत छोटे छोटे, उनसे बनाया आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है। और ये मम्मा ने बनाया था, मम्मा ने एक तो वॉल में ही जो हम लोग की वॉल होती है ना, हाँ, और हम लोग की जो वॉल होती है उस पर मम्मा ने बनाया था गणेश जी, वो भी कलाबा से। इट इज़ सो डिफिकल्ट टू डू गाइस, अगर आपने वो बनाया तो बताना, अभी हम लोग नहीं दिखा सकते बिकॉज वो मम्मा ने कहीं और बनाया था, मम्मा शायद नानी के घर पे है ना, जब बहुत पहले जब मम्मा जानता भी नहीं था तब। हाँ मम्मा के बहुत सारी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स रखी हुई हैं, अगर कभी वो हम लोग को मिली तो हम लोग आपको जरूर शेयर करेंगे, है ना मम्मा। मैंने फ्रेम कंप्लीट कर लिया है तो देखिए, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लगा दिया क्योंकि ज्यादा था, और इसकी ये थी लेंथ देख लीजिएगा कि इतनी इतनी खुली होनी चाहिए मतलब इससे कि चिपका सके। तो ये मैंने पूरा फ्रेम बना लिया, अब इसके ऊपर चिपकाएंगे टक। तो गाइस, एक बहुत प्यारा सा मैसेज है, वो लास्ट में जब देखेंगे तब मैं आपको। देखो मम्मा बना रही है। तो कलाबा को घुमा घुमा के लगाना इस तरीके से, नहीं वो फैलने लगता है ना। इस तरीके से इस तरह पूरे में लगा देंगे। और आप लोग ने यहाँ का तो देखे ही आइडिया है, एक और जगह पर ये भाई, ये तो गजल क्या कर रही है, ये सारी ऑब्जेक्ट्स थिंग से खेल रही है, तो ऐसी पागल इंसानों से दूर हो। देखो ये कौन है गजल? टेप भाई है। टेप भाई मेरी मदद करो ना, वो बहन मेरी फंस गई है। ये कौन है? ग्लू। इसका नाम क्या है? गन ग्लू। ग्लू बहन, मेरा नाम है ग्लू और तुम्हारा नाम क्या है? आर्य। देखो विक्स इनकी बहन है, ग्लू है ना, एकदम पागल रहोगी पागल हो। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से, तो मेरा नाम है आई। बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसमें शाइनिंग भी बहुत ज़्यादा आ रही है, शाइनिंग देखिए, जब लाइट पड़ती है ना तो बहुत उसमें शाइनिंग आती है। और यहाँ पे हमने देखिए एक शीशा लगा दिया इसके यहाँ पे, और ये देखो ये एक ये पेंटिंग तैयार हो गई है और जीरो बजट में तैयार हुई है। मेरे पास में फैब्रिक कुछ पड़ा हुआ था, उसी का टॉप का कटिंग करके ये मैं
अच्छे लगा थे। अगर आपके पास में भी हो तो आप भी इसको यूज कर सकते हो, इसी टाइप का आपके पास में हो। और जरूरी नहीं है कि आपको ये मिरर ही लगाओ, आप फ्लावर्स वगैरह जो भी आपके पास रखे हो। मेरे पास में रखे हुए थे तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। अब इसको आप कहीं भी लगा सकते हो, या आप इधर बोर्ड के पास में लगा दो। बोर्ड के पास में कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा है। कैसी लगी तो मुझे बताइए। एक और मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो गीत ने बनाया है, वो दिखा रही हूँ। तो ये देखो गीत ने बनाया था फिश, और ये देखिए हिलने वाला है। अरे मतलब ये जो फिश है, मतलब ये पानी है, ये पानी है इसके अंदर। और अभी इसको बाहर से कवर करना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस देखिए मेरे DIYs कंप्लीट हो गए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने तीन बनाए। एक तो मेरे पास पहले रखा हुआ था, वो भी मैं दिखाती हूँ, और जो मैंने बनाया वो भी मैं दिखाती हूँ। तो ये है कलावा लगा दिया यहाँ पे आँख के ऊपर, ये लगा दिया, और थोड़ा सा यहाँ पे मिरर कवर कर दिया, तो जो कि बहुत शाइनिंग कर रहा है। तो देख सकते हैं आप, इधर पर थोड़ा सा लाइट कम पड़ रही तो शाइनिंग कम आ रही, बट इसमें शाइनिंग बहुत है। तो ये एक ये बन गया है। एक ये देखिए फिश वाला बनाया हुआ, ये समझ लीजिए पानी है इसमें, और इसके अंदर ये फिश है। ये एक मिठाई का डिब्बा था छोटा सा, उसी में बनाया ये। और एक ये देखिए आलेखन टाइप का है ये, और इसका मोटा सा कार्डबोर्ड है इसको। तो आप इसको किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, या ऐसे भी लगा सकते हैं, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। जब मैं दीपावली में इसको डेकोरेट करूंगी तब सब मैं दिखाऊंगी आपको। अभी मैंने गाइस एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये था कि मेरे 1K कंप्लीट हो गए हैं, तो मुझे कम्युनिटी मिल गई है। तो वैसे तो कम्युनिटी 500 सब्सक्राइबर पे भी आने लगी है, लेकिन मेरे 1K हो गए हैं। और थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू सपोर्ट के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और यहीं से ब्लॉग खत्म होता, और मेरे DIYs आपको कैसे लगे तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।